जानती है, एक
सपना भी देखा। गोधूली मेला थी, शिप्रा का किनारा, अपने अपने घोंसलों को लौट रहे पक्षियों का मधुर कलर, किनारे से टकराती हुई लहरों का सरस संगीत, वातावरण में सुगंधी थी नव मल्लिका की, कलियों की, प्रणय की, मिलन की। तभी देखा कि तुम चंपक के जुर्मुटों के बीच हाथ में लीला कमल लिए मंद मंथर गति से सकुचाती लज्जाती। काव्य रचना अपने स्वामी के लिए छोड़ दो कीर्ति भट्ट, तुम जाकर गायों का दूध दूह लो, उन्हें चारा पानी दो, गोबर के उपले बनाओ। प्रियंवदे, मुझे समझने का प्रयास करो, मेरे मन को पहचानो। तुम्हें कैसे बताऊं कि तुमसे दूर रहकर ये एक मास मैंने कैसे बिताया है? अच्छा हाँ, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था। स्वामी से कितना कहा कि 50 कोस दूर उस कुटीर में जाने की क्या विवशता है, यही रहकर अपने महाकाव्य का 8वां सर्ग पूरा कर लीजिए। लेकिन नहीं, राजधानी में कोलाहल होता है, हर दिन गोष्ठियां और सभाएं की जाती हैं, लोग भेंट के लिए आते हैं, अवकाश नहीं मिलता, मन एकाग्र नहीं हो पाता। अब उन्हें कौन समझाए कि राजधानी है तो उसमें कलरव क्रंदन तो होगा ही। जल में तरलता नहीं होगी, सूर्य में ताप नहीं होगा, कुमारी कन्या के सौंदर्य में हृदय को व्याकुल बनाने वाला आकर्षण। कीर्ति भट्ट, 8वां सर्ग कब पूरा हुआ, कैसे पूरा हुआ? तुमने तो एक एक पृष्ठ की रचना देखी होगी। 3 दिन पहले हुआ था, और जो तुम पूछती हो कि कैसे हुआ, तो जान लो प्रियंवदे, कीर्ति भट्ट के वहां रहने से हुआ। सच कहता हूं, पिछले 1 सप्ताह तो कविवर ने 1 शब्द नहीं लिखा, बस बैठे बैठे पहले के 7 सर्ग पढ़ते रहते, या चुपचाप टकटकी लगाए कोरे भोज पत्र को निहारते। अरे मैं पूछता कि आप आनंद लाऊं, भोजन के लिए क्या बनाऊं, तो उत्तर ही नहीं मिलता, जैसे वाणी तो राजधानी में ही छोड़ आए हो। भीतर से निकलते तो उपवन में जा बैठते, उपवन से निकलते तो वन में जा बैठते। प्रातः काल देखता कि उषा की लाली परख रहे हैं, सायंकाल देखता कि झरने के नीचे बूंदों की बौछार में भीग रहे हैं, आधी रात को देखता कि उजली चांदनी में टहल रहे हैं। 7 दिन तो मैं चुप रहा, किंतु 8वें दिन मैंने भी कह ही दिया कि स्वामी ऐसे कैसे चलेगा। 3 सप्ताह बाद आपको ये सर्ग पढ़ना है, आपका राजकीय सम्मान होना है, कहीं ऐसा ना हो कि सर्ग रचना ही ना हो सके तो सम्मान ही ना मिले। लेकिन तुमने इस सर्ग का कुछ ना कुछ अंश तो सुना होगा। कुछ ना कुछ अंश क्या, समूचा सर्ग सुना है प्रियंवदे। पिछले 3 दिन मेरे कानों में और गया ही क्या है, इस सर्ग के श्लोक, श्लोक की पंक्तियां, पंक्तियों के शब्द और शब्दों के अक्षर कर्कश के आपार कीड़ों की तरह मेरे कर्ण केंद्रों का संधान करती रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों कीर्ति भट्ट? क्योंकि स्वामी सस्वर पाठ का अभ्यास कर रहे थे, अर्थात श्लोक विशेष का पाठ विशेष कैसे होगा, कहां स्वर को ऊपर जाना है, कहां नीचे ले आना है, कहां
कहां संकल रहना, कहां भावावेश में जल्दी होगी, कहां भाव संकुलता में धीमापन, और कहां गहरी व्यंजना में अर्थ भरा व्याप। लेकिन इस सर्ग में है क्या कीर्ति भट्ट? इस सर्ग में वो है प्रियं विदे, कि युवक सुने तो तेजित हो जाए और युवतियां सुने तो उन्मत्त। ये काव्य नहीं, मदिरा का मादक चषक है सुंदरी। तुमने इस सर्ग का कुछ ना कुछ अंश तो सुना होगा, मुझे सुनाओ ना। प्रियंवदा, आज क्या बात है, एक के बाद एक अपशकुन होते जा रहे हैं। सुबह नींद टूटने से पहले मैंने बहुत बुरा सपना देखा, सूर्य पर ग्रहण का भास हुआ, बाहर पथ पर एक मैला कुचैला साधु हाथ में मूर्छा लिए दिखाई पड़ा, अंतःपुर के ऊपर कौवे एक साथ काव काव कर रहे थे। श्री देवी कैसी बातें करती है, आज का दिन तो इतना शुभ है, इतना मांगलिक। मैं कहीं नहीं चाहती, लेकिन इन आशंकाओं का क्या करूं, जो पतझड़ के पत्तों के समान बारंबार मेरे मन में लहरा रहे हैं। चिंता ना करे देवी, परम अहलाद में दुर्भावना भी आने लगती है। स्वामी कहाँ है? अपने मित्र के यहाँ। कुछ समय पहले आचार्य सौमित्र का संदेश आया था कि कवि श्रेष्ठ दोपहर का भोजन हमारे साथ करेंगे। कवि श्रेष्ठ उठे कब से? प्रतिदिन के समय। और बाहर कब गए थे? सूर्योदय के एक पहर बाद। आप प्रतीक्षा ना करें। देवी, देखकर लगता है देवी का प्रातः काल अभी हाल ही में हुआ, तो प्रातः अभिवादन स्वीकार करें। नहीं करेंगी? क्या हुआ, मुझे देखते ही देवी चौंक क्यों उठी, क्या छिपा लिया? नहीं तो, कुछ भी तो नहीं। देखो जरा प्रियंकू, वेशभूषा से मालूम पड़ रहा है नगर के भीतरी भाग में चले गए। हाँ, कुछ देर घूमता रहा रास्तों और गलियों में, गायन और वादन सुनता हुआ, स्वांग और नाच देखता हुआ, कोलाहल और कलरव का प्रत्यक्ष साक्षी बना, उसी का एक भाग होकर। सुन रही हो, आज मदनोत्सव है और उसे मनाने के लिए सारे नगरवासी जैसे मदोन्मत हो उठे हैं, सामूहिक करतल ध्वनि और अकेले मृदंग का मधुर घोष, मर्दल का गुरु गंभीर गर्जन और चरचरी की दूर दूर तक गूंजने वाली उन्मादिनी लय, उत्तेजक नृत्यों में अस्त व्यस्त वस्त्र, उड़ती मालाएं, बिखरे केश पाश, शर्म से लाल हुए कपोल और माथे पर स्वेद बिंदु, महलों के गवाक्षों में मुखमंडल जैसे जड़े हुए हैं,
और वहीं नीचे खड़ी भीड़ युवतियों के ऊपर तो लाश बरसता हुआ अबीर और गुलाल। ये अबीर और गुलाल किसने डाला? किसी ढीठ युवती ने? हाँ। पहचान कर या बिना पहचाने? पहचान कर बोली कि कबीबर, इसी गुलाल से हमारी राज दुहिता के कपोल हमारी ओर से लाल कर देना। अच्छा, और क्या उत्तर मिला उन्हें? मैंने कहा कि भद्रे, बस कुछ पास जाने की आवश्यकता होती है, तुम्हारी देवी के कपोल तो विश्वास न हो तो दर्पण दिखलाऊं। छोड़ दो, अन्यथा? अन्यथा प्रियंवदा आ जाएंगी। आर्य सौमित्र को नया सेठ सुना दिया? हाँ सुना दिया। कोई विशेष सुझाव मिले? नहीं, कुछ विशेष नहीं। हाँ, दिग्नाग ने एक दोषारोपण किया। क्या? बड़ी व्यंग भरी मुस्कान से बोले कि 6 श्लोकों के बाद कोई अशुद्धि शोभायमान हो रही है। तुमने क्या कहा? मैं कुछ कहता इससे पहले ही सौमित्र बोल पड़े, कहते कि रचनाकार कभी व्याकरणों की कट्टरता में नहीं बंधता, बल्कि अपनी ही दृष्टि से भाषा को संस्कार देता है। आर्य सौमित्र ने कोई और विशेष बात नहीं कही? क्या मतलब? ये नहीं पूछा कि इस नए सर्ग में उमा के चरित्र, उसके क्रियाकलाप का आधार कौन सा व्यक्ति है? नहीं तो? सुनते हुए गूढ़ भाव से मुस्कुराए तो होंगे? मैंने तो नहीं देखा। सच कह रहे हो, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा? अब मुझे तो यही स्मरण आता है। तब फिर इतनी देर तक क्या बातें चलती रही? करने को बातें बहुत थी। एक मास से राजधानी की जीवन धारा से कटा हुआ था, फिर से प्रवाह में आने के लिए बहुत कुछ सुनना था, जानना था। साहित्यिक राजनीति के मोड़, राजनीतिक राजनीति के चढ़ाव उतार, तुमने सुना है? क्या? बंग देश में कोई गुप्त साम्राज्य के विरुद्ध भीषण षड्यंत्र चल रहा है। मैंने तो ऐसा नहीं सुना, और ये सब तो चलता ही रहता है, और क्या बातें हूँ? शकुंतला के आख्यान को लेकर जो नाटक लिखने की सोच रहा हूँ, उस विषय में सौमित्र से चर्चा है। और फिर आज सभा मंडप में सर्ग पढ़ने से पहले जो कुछ कहना है उसका पूर्व अभ्यास किया। क्या कहोगे? थोड़ा सा कुछ काव्य के संबंध में। एक बार मेरे सामने भी दोहरा लो ना, शायद मैं कोई सुझाव दे सकूं। अच्छा। हाँ, समझ लो कि ये राज मंडप है और तुम यहाँ बैठे और मैं यहाँ पर। अब प्रारंभ करो ना। अच्छा। महामहिम सम्राट, सेनापति, राजपुरोहित, धर्माध्यक्ष, महादंड नायक, मंत्री परिषद के सदस्य गण और काव्य रसिकों को रिहंगू मंजरी हंसो मत। क्षमा कर दीजिए कवि सम्राट। कुमार संभव के 7 सर्गों की रचना लगभग 3 मास पहले ही पूरी हो चुकी थी, और ये 8वां सर्ग अभी पिछले सप्ताह समाप्त हुआ। इस बीच मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया जिससे ये व्यवधान उपस्थित हुआ। पिछले 7 सर्गों का पाठ मैं अलग अलग राजगोष्ठियों में कर चुका, इसीलिए ये ठीक समझा गया है कि आज के इस अवसर पर केवल नया सर्ग ही पढ़ा जाए। इस महाकाव्य की पूरी कथा वस्तु बतलाकर मैं आप सबकी उत्सुकता समाप्त नहीं करना चाहता, परंतु पूर्व रति 7 सर्गों का बहुत संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक, क्योंकि यह हो सकता है कि आप में से कई श्रोता पिछली गोष्ठियों में उपस्थित ना रहे। पहला सर्ग। पहले सर्ग में हिमालय और मैना नामक दंपत्ति के यहां उमा का जन्म होता।
और कालांतर में वो युवा अवस्था में पदार्पण करते हैं। दूसरे सर्ग में तारक नामक राक्षस का वर्णन है, जिसके अनाचार से देवतागण संत्रस्त है। वे सब ब्रह्मा के पास तारक के वध की प्रार्थना लेकर पहुंचते हैं, परंतु कठिनाई ये है कि तारक को ब्रह्मा की ओर से ही अमरत्व का वरदान प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अगर कोई तारक का विनाश कर सकता है तो वो है महादेव का भावी पुत्र। परंतु महादेव की तेजस्वी पौरुष को धारण करने की सामर्थ्य केवल एक उमा में है। इसीलिए तीसरे सर्ग में कामदेव को समाधिस्थ महादेव के मन में काम का संचार करने के लिए भेजा जाता है, परंतु वो महादेव की क्रोध की नेत्राग्नि में झुलस कर राख हो जाता है। चौथे सर्ग में अपने पति के देहांत पर रति का विलाप। पांचवें सर्ग में उमापति रूप में महादेव की प्राप्ति के लिए अत्यंत कठिन तपस्या करती है और महादेव के मन में भी उमा के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है। छठे सर्ग में महादेव के यहां से उमा के साथ विवाह का प्रस्ताव जाता है और सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है। और सातवें सर्ग में उमा और महादेव का ब्याह होता है। तत्पश्चात ये आठवां सर्ग है जिसे आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। पाणी पीड़न विधेर नंतरम शैलराज दुहितुर हरम प्रति। इसमें से वो पंक्ति निकाल दो जीवन में मूड और व्यवधान वाली, जैसी देवी की आज्ञा। लेकिन उससे भी क्या होगा, लोग तो समझ ही जाएंगे कि ये सर्ग तुमने ब्याह के बाद लिखा है। हाँ, समझ तो जाएंगे, लेकिन केवल वही जो हमें निकट से जानते हैं। दूसरों को और नगर के बाहर वालों को कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा, उन सबका मार्गदर्शन जो कर दिया है आपने, एक सातवें श्लोक में मेरा नाम नहीं ले आए हो। ये उदित होता हुआ चंद्रमा प्रियंगु के फल के समान लाल दिखलाई पड़ रहा है। सारे संसार में बस यही एक उपमा रह गई थी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या ये सर पहले ही क्यों नहीं लिख लिया? क्या भी पहले बात के लिए क्यों रख छोड़ा? लेकिन तब मुझे इस बात का अनुभव कहाँ था कि विवाह के बाद नव दंपत्ति का पारस्परिक व्यवहार क्या और कैसा होता है? हटो, जैसे अब तक सब कुछ तुम अनुभवों से ही लिखते आए हो। कल्पना और अंतर्दृष्टि क्या किसी ने छीन ली थी? लेकिन तब अनुभूति की प्रखरता कहाँ से आती? ये क्यों नहीं कहते कि मुझे लज्जित करने में आनंद कहाँ से मिलता? अब मैं कैसे जाऊं राजमंडप में? माता पिता, परिवार के कुल संबंध ही, गुरुजन, मेरी सब सखियां सहेलियां, निम्न और उच्च पदाधिकारी, सभा में उपस्थित एक एक व्यक्ति समझ जाएगा काव्य की ये उमा वो बैठी है सामने। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, तुम सरगाठ प्रारंभ करोगे और लोगों के सामने नौ दंपति के अंतरंग जीवन के पत्ते खुलने लगेंगे। तुम पन्ने पर पन्ने पलटते जाओगे और श्रोता जैसे दर्शक बनकर पति पत्नी की उन्मुक्त प्रेम पर लीला देखेंगे। यौवन की उष में ज्वार आने का चित्र, उत्तेजना और उन्माद के आरोह विरोह। मैं वहीं बैठी रहूंगी, सिर झुकाए
आंख उठाकर किसी की ओर देख भी नहीं सकूंगी। और कचोटती रहेगी मुझे ये बात कि ये तमाम आंखें मेरे ही ऊपर लगी हुई है, कि मुझे ही देखते हुए अनेक अधरों में सूक्ष्म मुस्कान आई है। हर श्लोक के बाद मेरा हृदय बैठता आएगा। हर श्लोक के बाद मैं अपने आप में सिमटती आऊंगी। और जब तुम इति उमा सूरत वर्णन नमाष्टमः सर्ग कहकर अंतिम पृष्ठ नीचे रखोगे, तो मेरी ये दशा होगी कि बस ये धरती फटे और मैं इसमें समा जाऊं। तुम इस तरह से सोचोगी, ये बात मेरे मन में नहीं आई। तुम स्त्री नहीं हो ना, इसलिए बहुत विचित्र सा लग रहा है। उज्जैनी के जिस नागरिक ने मुझे कभी देखा नहीं, राजप्रसाद के मुख्य द्वार पर कभी पैर नहीं रखा, वो इस सर्ग के अंतिम पृष्ठ खोलेगा। मेरे बिल्कुल निजी अनुभव, मेरी नितांत अनुभूतियां इस तरह उजागर हो जाएंगी जैसे किसी प्रदर्शनी में रखती हूं। आगे संबंधियों के बीच मैं कितनी संकुचित हो उठूंगी जब बातों ही बातों में कोई ऐसा प्रसंग आ जाएगा जो मालूम नहीं था। रचनाकार से जीवन जोड़ लेने के बाद कुछ भी गोपनीय नहीं रह जाता। क्या गोपनीय रखना चाहते हैं, बोलो ना। महल से महारानी का संदेश आया है कि देवी कुछ जल्दी आ सके। उन्हें सूचित कर दो प्रियंवदा कि मैं कुछ अस्वस्थ अनुभव कर रही हूँ, गोष्ठी में नहीं आ सकती। इस उन्नत मस्तक पर सम्राट स्वर्ण पट बांधेंगे, राज पुरोहित मांगलिक श्लोक पढ़ेंगे, धर्माध्यक्ष पुष्पों की वर्षा करेंगे। लेकिन ये कैसे विडंबना है कि जिस व्यक्ति को ये समारोह सबसे अधिक सुख देगा वही इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। स्वामी, समय हो रहा है। तो तुम्हारा निश्चय अंतिम है? हाँ। नहीं, लज्जाशील पत्नी का निश्चय। सुनो, अगले जन्म में किसी कवि या लेखक से ब्याह मत करना। अच्छा, सूरज डूबने से लेकर अब तक का समय मैंने कैसे काटा है?
तुम्हें क्या हो गया था? किसी ने मदेजा बनाकर अचेत कर दिया था क्या? अब बोल क्यों नहीं रही है? क्या जी भी तेरी वही छुटाई है जहां से जाती हुई चली आ रही है? प्रिय पदा, तू रो तो रही है, क्या हुआ? वो मैं इसलिए रुक गई थी कि ये दुखद समाचार आपको किसी और से मिल जाए। कौन सा समाचार? क्या हुआ है? वो हो गया है देवी जो नहीं होना था। क्या हो गया है? समारोह नहीं हुआ। क्या प्रणाम कर रही है? समारोह कैसे नहीं हुआ? दुन दुभी और तूर नाच तो यहाँ तक सुनाई दे रहा था। हाँ, मेरा मतलब है कि समारोह हुआ लेकिन सम्मान नहीं हुआ। समारोह हुआ और सम्मान नहीं हुआ? नहीं देवी, महाकाल के पुजारी ने बीच में ही। महाकाल के पुजारी मंदिर से बाहर निकले थे, मंडप में आए? हाँ, उन्हीं के कारण तो ये सम्मान समारोह अपमान समारोह में बदल गया। प्रियम पता, धीरे धीरे बता, इस तरीके से तो मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। सम्राट और सारे पदाधिकारी और सब सभा अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। कार्यवाही आरंभ होने ही वाली थी कि पुजारी महोदय पधारे। उन्हें मंदिर से निकले पूरे 20 वर्ष हुए हैं ना? हाँ, मैं छोटी सी थी जब स्वराष्ट्र विजय के बाद आशीर्वाद देने आए थे। उन्हें देखते ही सब लोग हर्ष विभोर हो उठे। सम्राट ने तुरंत उठकर उनके चरण छुए, स्वागत किया। उन्होंने आने का कारण क्या बताया? बोले, मैंने सुना है कि कालिदास की स्तुति का संबंध मेरे नीलकंठ से है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस काव्य अमृत का पान कर लूं। कवि श्रेष्ठ ने भी कहा कि धर्म गुरु की उपस्थिति से ही मैं इतना गौरवान्वित हूँ कि अब प्रसाद पट की आवश्यकता नहीं। आगे कविवर ने अपना प्रारंभिक वक्तव्य दिया, कथानक की संक्षिप्त रूपरेखा बतलाई, फिर काव्य पाठ प्रारंभ किया। मंडप में ऐसा सन्नाटा था कि जैसे वो बिल्कुल निर्जन हो। बस उनका मधुर स्वर और वातावरण में काव्य पंक्तियों की ध्वनियों का वितान जो धीरे धीरे घना होता जा रहा था। श्लोक के बाद श्लोक और पृष्ठ के बाद पृष्ठ, जैसे समय भी एक कोने में सम्मोहन सा बंधा खड़ा था। लेकिन जल्द ही ये माया जाल टूट गया। कैसे? जैसे ही स्वामी ने श्लोकों का पाठ प्रारंभ किया, सत्रहंशत बलोत्तर छदम जानवी पुलिनी चारु दर्शन अक्षेप शयनम प्रिया तथा शारदा भ्रमिर रोहिणी पति क्लिष्ट केशम अभिलुप्त चंदन युद्ध पथार्पित नखम समत्सर तत्य तच दुर्मेखला गुणम पार्वती रतम मून तुप्त क्यों ही क्रोध का तमतमाया चेहरा लिए धर्म गुरु आ गया और गरज कर बोले, ये सर अत्यंत अश्लील है। जगत पिता महादेव और जग जननी पार्वती के भोग विलास का ऐसा उद्दाम, ऐसा स्वच्छंद, ऐसा चित्रण, इसका रचयिता पापी है, इसके श्रोता पापी है। ऐसे अधर्मी और अनाचारी कवि के सम्मान समारोह में जो भाग ले वो पापी है, जो उसका निमित्त बने वो पापी है, और जो उसमें सहायता दे वो पापी है।
तुरंत धर्माध्यक्ष आ गया है। क्षमा चाहूंगा सम्राट, मैं अब और अधिक इस समारोह में भाग नहीं ले सकता। महादंडनायक ने कहा, ये सर अत्यंत मर्यादाहीन है। मंत्री परिषद के सदस्य बोले, इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। व्यापारी संघ के प्रधान सोम दत्त आगे आए, ये सर अश्लील है। प्राध्यापक विद्या भास्कर ने कहा, कुमार संभव पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि कच्चे मस्तिष्कों पर इसका बुरा प्रभाव होगा। पक्ष में कोई नहीं बोला। आचार्य सौमित्र ने बहुत उचित पर में कहा, सर्ग अश्लील नहीं है, पति पत्नी के पारस्परिक संबंध भी कभी अश्लील होते हैं। अश्लीलता आरोप करने वालों की दृष्टियों में है, उनकी आंखों में है, उनके मन में है। इन लोगों का हस्तक्षेप हम किसी भी प्रकार साहित्यिक रचनाओं में सहन नहीं करेंगे। फिर सभा में उपद्रव समझ गया। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। एक कह रहा था कि अश्लील है, दूसरा कह रहा था कि नहीं। तब सम्राट आ गया और सम्मान आयोजन के स्थगन की घोषणा की। और फिर वो दोनों दलों के लोगों को लेकर ठीकरी कक्ष में चले गए। हाँ, स्वामी भी वही है ना? नहीं देवी, जैसे ही सभा मंडप में अव्यवस्था आई वो एक कोने से निकल गए। शायद किसी ने लक्ष्य भी नहीं किया। तब फिर कहाँ है प्रियंवदा? मेरा तो विचार था कि यही होंगे, इसीलिए मैंने इतनी देर लगाई। सोचती थी आपको सब तो मालूम हो गया होगा, अब कुछ निर्णय हो जाए तो उसकी भी सूचना लेकर जाऊं। मुझे क्षमा कर दे प्रियंवदा, मैंने तुझे नाहक ही बुरा भला कहा। देवी, आर्य सौमित्र पधारे हैं। आर्य सौमित्र, क्या आपके मित्र आपके साथ नहीं थे? नहीं कल्याणी, मैं तो सभा मंडप से आ रहा हूँ। मेरा तो विचार था कि नहीं, यहाँ नहीं आए। इतने संवेदनशील है, पता नहीं उनके मन पर क्या बीत रही होगी। वहां की स्थिति कैसी है? बहुत भयंकर। राज पुरोहित, धर्माध्यक्ष, महादंडनायक, वरिष्ठ मंत्रीगण और नगर के तमाम प्रभावशाली व्यक्ति सभी तो शैव धर्म के अनुयायी हैं। सम्राट ने स्वयं पुजारी महोदय को दीक्षा देकर उन्हें धर्म गुरु की उपाधि दी, इसीलिए वे भी उनके सामने वे धर्म गुरु का बहुत सम्मान करते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत हमारी ओर से जो मेरे चुने युवा कलाकार है, उनमें से किसी के पास कोई बड़ा पद नहीं, कोई विशेष प्रभावशाली नहीं। विरोध इतना प्रबल है कि स्वयं सम्राट को स्थिति संभालने में कठिनाई हो रही है। मैंने लक्ष्य किया है कि धर्माध्यक्ष विशेष रूप से उग्र है। मैं जानती हूँ, विमन ही मन आपके मित्र से बैर रखते हैं, लेकिन एक बात नहीं समझ पा रही हूँ, धर्म गुरु एकाएक समारोह में कैसे पहुंच गए? मुझे भी ये बात खटकी थी, इसीलिए मैंने थोड़ी छानबीन कर ली है। शायद आप जानती हो, नगर में एक वर्ग ऐसा भी है जिसे कालिदास की बढ़ती प्रतिष्ठा बहुत कष्ट दे रही है। ये उनकी कूटनीतिक चाल थी जिसमें प्रमुख हाथ दिन्नार का रहा है। आज सुबह मेरे यहाँ जो गोष्ठी हुई थी उसमें ये महाशय आए थे। मालूम हुआ है कि दोपहर को ये महाकाल के मंदिर गए थे। धर्मगुरु को बताया होगा कि कालिदास के साव किनारे आपके आराध्य हैं। उनके मन में उत्सुकता जागृत कर दी होगी।
सारे धरातल पर तो धर्म गुरु बालक के समान अबोध है। मुझे लगता है कवि श्रेष्ठ के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, क्योंकि कालिदास के उदार विचार कई बार व्यवस्था को अपने द्रोह से हिलाकर रख देता है। आर्य सौमित्र, क्या आपको नहीं लगता कि एक रचनाकार का मुख्य कार्य यही होना चाहिए? आप सत्य कह रही हैं देवी, किंतु व्यवस्था पर सवाल करने से कवि व राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं, और इसीलिए उनका राजनीतिक शिकार किया गया है। कविवर इस षड्यंत्र को भांप नहीं पाए। अच्छा देवी, मैं चलूं कालिदास की कुछ खोज करूं। नगर के प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति शायद ये भूल गए हैं कि कालिदास से कभी श्रेष्ठ नहीं, वो राजकुमारी प्रियंगू मंजरी के आराध्य भी है। वे सब भूल चुके हैं कि मैं भी उन्हीं गलियारों में पली बड़ी हूँ जहाँ वे राजनीति करते हैं। कालिदास पर उठाई गई हर एक आवाज को राजकुमारी प्रियंगू मंजरी से होकर जाना होगा। प्रियंगदा, महल में सूचना भिजवा दो, राजकुमारी प्रियंगू मंजरी सम्राट से तत्काल मिलना चाहती हैं। नगर के बाहर चला गया शिप्रा के निर्जन तट पर। गहरा अंधेरा था वहां और गहरी शांत। ऊपर घने बादलों में चंद्रमा का हल्का सा आभास और दूर पर्वत श्रेणियों के धुंधले चढ़ाव उतार। हवा रुकी, पत्ता एक ना रुका, लहरें भी निश्चल, बस कभी कभी भालू के छोटे छोटे कगार नदी में धसक जाते। वहीं चौक पर वृक्षों की ऊपरी शाखों पर कोई पक्षी पर थरथराता, चहचहाता और फिर मौन, फिर नीरवता। ओ, ये चित्र बनाया काम का सामान्य अर्थ तृष्णा, पर भारतीय चिंतन ने देवता का पद दिया है इसे। जो व्यक्ति को कमनीय उत्तेजनाओं की ओर ले जाता, आसक्ति का उदय इसी के संयोग से होता। ये घर में भी बड़ी महिमा है। जीवन में कामना और मुंह देने के कारण काम को कल्याण कर भी कहते हैं।
कितनी कलाएं आती हैं इन कोमल उंगलियों को। उंगलियों का चुम्बन भी कहीं अश्लील तो नहीं होता। बोलो ना, तुम्हें उज्जैनी की नैतिकता की अधिक जानकारी होगी। सुनो, तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। हाँ, थक तो बहुत गया। स्वामी, धर्माध्यक्ष महोदय पधारे हैं। इतनी रात गए, मना करवा दो। उन्हें आने दो, तुम्हें आराम की आवश्यकता है। देखो, देर तक बात मत करना। अच्छा, आइए धर्माध्यक्ष महोदय। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक से हवा में ये पवित्र गंध कहां से घुल गए। पधारिए। राज प्रासाद से लौट रहा था, आपके भवन में प्रकाश। बड़ी कृपा की, विराजिए। वैसे मेरे यहाँ के आसन बहुत अश्लील है, कल किसी मंदिर से एक आध आसन पाने का प्रयत्न करूंगा। धर्म ध्वजाओं की पगधूली अब मेरे घर भी पड़ जाती है ना। पगधूली पड़ने का कारण विवशता है आर्य कालिदास। तो स्पष्ट ही है। कोई है? मदिरा और चषक और गंगा जल। पहले पूछ तो लीजिए, गंगा जल है भी? नहीं है, केवल जल स्वीकार कर लेंगे। कर लूंगा, परंतु मेरे घर का है जल, शिप्रा का है आर्य कालिदास। धर्माध्यक्ष महोदय, आप तो बड़े वाक विदग्ध हैं, आपने तो मुझे निरुत्तर ही कर दिया। बतलाइए क्या व्यवस्था है। मुझे आप तक एक राजकीय सूचना पहुंचानी थी। कुमार संभव का आठवां सर्ग अश्लील है या नहीं, इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक न्याय समिति बनाई गई है। उसके सम्मानित सदस्यों के नाम जानने की दृष्टता कर सकता हूँ? यही बताने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ श्रीमान। समिति के पहले सदस्य हैं नगर के संपन्न व्यवसायी श्री दिवाकर दत्त। वही तो नहीं जिनकी आभूषणों की दुकान है? जी हाँ, वही। पिछले मास मैंने उनके यहां से एक मेखला ली थी। मेखला जानते हैं ना? जी हाँ, जानता। क्षमा कीजिएगा, आप अविवाहित हैं इसीलिए मैंने पूछ लिया। हाँ, तो मेखला और उसे धारण करने वाली के बारे में एक बड़ी आधारभूत बात है, वो ये कि कमर जितनी पतली हो मेखला उतनी ही चौड़ी होनी चाहिए, तब दोनों का सौंदर्य दुगुना हो जाता। पर जैसा मैंने आपके बारे में सुना है, आप तो ठहरे बाल ब्रह्मचारी, आपको ये सब कहां पता होगा। पर फिर भी अगर कभी आपकी दृष्टि किसी कमनीय कामनी पर पड़े तो उसे तनिक ध्यान से देखिएगा, परखिएगा, निरखिएगा, तो आपको मालूम होगा कि कालिदास बात दिवाकर दत्त की थी। मैं भी तो वही कह रहा हूं, दिवाकर दत्त को स्वर्ण की समझ बहुत अच्छी, वो एक पल में बतला सकते हैं कि वो शुद्ध है या अशुद्ध। भला एक काव्य कृति की अश्लीलता की जांच करने में उन्हें क्या देर लगी। समिति के अध्यक्ष हैं प्रधान अधिकारी। ओ, न्यायाधीश महोदय,
उन्हें तो मैं विशेष जानता है। बस इतना ही मालूम है कि वयोवृद्ध है, बड़े लंबे समय से दूध का दूध और पानी का पानी अलग करते आ रहे हैं। वैसे आपका तो घनिष्ठ परिचय होगा उनसे। जी हाँ, आपको कोई आपत्ति है? लीजिए, मुझे भला क्यों आपत्ति होने लगी? वो ठहरे राज्य के न्याय स्तंभ, आप ठहरे राज्य के धर्म स्तंभ। दोनों में तो ऐसा गठबंधन होना चाहिए जैसे प्रगाढ़ आलिंगन में जकड़े हुए प्रेमी युगल। छी छी, फिर से एक अश्लील उपमा आ गई। क्षमा कीजिएगा, मेरा मन बड़ा पापी। इसी बात का तो निर्णय होना है कविराज। मैं भी तो उन्हें निर्णायकों के बारे में जानना चाहता हूँ धर्मराज। वे वानम्य के प्रकांड पंडित तो होंगे, काव्य शास्त्र का भी गहरा अध्ययन किया होगा, संस्कृत साहित्य इतिहास के जानकार होंगे, उदार विचार वेत्ता होंगे, संवेदनशील होंगे। साहित्य प्रेमी की जिस आदर्श रूप की कल्पना की जा सकती है वो जैसे उनमें साकार हो उठा होगा। मैं उनके व्यक्तित्व के इस पक्ष के बारे में अधिक नहीं जानता। मेरी और उनकी चर्चा और दूसरे और गहरे और शाश्वत विषयों पर होती है। एक उदाहरण दे सकते हैं? संसार की असारता, माया मोह के बंधन, जन्म और जीवन, मरण और मोक्ष, विवाह और प्रेम नहीं? आर्य कालिदास। अच्छा, तो प्रेम और विवाह ही सही। आप एक राजकीय कर्मचारी का अपमान कर रहे हैं श्रीमान। ये मत भूलिए कि मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से नहीं, अपने कर्तव्य पालन के लिए उपस्थित हुआ हूँ। क्षमा कीजिएगा, शायद मेरी बातों से आपकी कुछ पुरानी यादें जाग उठी। सो मैं आपको समिति के बारे में बतला रहा था। समिति के अगले सदस्य आपको भली भांति जानते हैं। उनका शुभ नाम उसी अक्षर से प्रारंभ होता है जिससे आपका शुभ नाम समाप्त होता है। ओ, क्या हुआ? आर्य सौमित्र का नाम सुनते ही चुप क्यों हो गए कवि श्रेष्ठ? इसीलिए कि समिति के अन्य सदस्यों के सामने उनकी अयोग्यता बहुत स्पष्ट है। और कोई महानुभाव? समिति का अंतिम पदेन सदस्य मैं। आप शायद इस विवाद को साहित्यिक मानेंगे, लेकिन ये नैतिक और धार्मिक भी है, इसलिए मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। धर्माध्यक्ष महोदय, जिस पद पर आप काम कर रहे हैं उसका वेतन तो बहुत होगा। जी हाँ। तो अर्थ की प्राप्ति तो अर्थ की प्राप्ति तो आपको हो ही रही है। जहां तक धर्माचार का प्रश्न है तो उसके तो आप अध्यक्ष हैं। तो ये असार संसार छोड़ने के बाद आपका मोक्ष तो कहीं नहीं गया, लेकिन एक पुरुषार्थ और भी बतलाया गया है ना? क्या है? भूल रहा हूं। आप दूसरों की चिंता छोड़िए कवि कुलगुरु, अपने बारे में सोचिए। एक और बात, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जैसे प्रियदर्शी व्यक्ति के ऊपर युवा अवस्था में किसी अलहड़ किशोरी ने मधुर चितवन के कालिदास, आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। बड़ी भोली सी जिज्ञासा थी, पर आपकी पुरानी यादों में कचोट होती है तो जाने दीजिए। अच्छा, मान लीजिए कि आपकी ये न्याय समिति अश्लीलता का निर्णय लेती तो इस काव्य की क्या स्थिति होगी? वही होगी
जो किसी भी अवैध वस्तु की होती है। अर्थात कुमार संभव पर कुछ प्रतिबंध लग जाएंगे। जैसे? जहां तक मैं समझता हूं, समिति ये चाहेगी कि किसी भी सभा या गोष्ठी में इसका पाठ ना हो, राजकीय प्रतिलिपि कार्यालय में इसकी प्रतिलिपियां तैयार ना की जाएं, इसका विक्रय ना हो, और जिस भी नागरिक के यहां कुमार संभव की प्रति पाई जाए उसे नियमानुसार दंड मिले, और कह डालिए, रुकिए मत, ये मेरा अनुमान ही है। जी हाँ, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि अभियोग महाकाल के पुजारी की लिखित आपत्ति पर चलाया जा रहा है और कुमार संभव से एक वादी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए न्याय समिति ये भी चाहेगी कि उसका रचयिता सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करे। क्या लेखक क्षमा याचना करे, आपने यही कहा है ना? जी हाँ, आप शायद नवम सर्ग की रूपरेखा में खोए हुए थे, लेकिन आपके लिए बचाव का एक मार्ग है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना भी मेरा कर्तव्य होगा। अपने इस कर्तव्य का भी पालन कर लीजिए। यदि आप कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले ही क्षमा याचना कर ले तो वादी संतुष्ट हो जाए और यह अभियोग अपने आप ही उठा लिया जाएगा। यदि आप सोच विचार करने के लिए समय चाहते हैं तो आपको 2 दिन का समय दिया जाता है, परसों सायंकाल तक आप मेरे पास आ जाएं या सूचना भिजवा दें कि क्या आप क्षमा याचना के लिए प्रस्तुत हैं। नहीं, और अधिक समय चाहिए। जी नहीं, धन्यवाद। आपकी इच्छा, क्योंकि सभियों का संबंध एक काव्यकृति से है और माना जाता है कि लेखक विचारवान व्यक्ति होता है, इसलिए न्याय समिति आपको आपका पक्ष रखने का अवसर देकर गौरवान्वित करना चाहती है। समिति की पहली बैठक अगले सप्ताह है, क्या आप तब उपस्थित होना चाहेंगे? क्या आप तब उपस्थित होना चाहेंगे? जी नहीं। शायद इतना समय भी पर्याप्त नहीं, क्यों ना हो, आपके लिए तो जैसे ये जीवन मरण का प्रश्न है, आपको अपने पक्ष में तर्क ढूंढने होंगे, उन पर चिंतन मनन करना होगा, मित्र मंडली से विचार विमर्श की आवश्यकता पड़ेगी, तमाम उदाहरण देने होंगे, अनेक संदर्भ देने होंगे, तब जाकर न्याय समिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो फिर 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, बात यह है कि न्याय समिति पहले अभियोगी का दृष्टिकोण जान लेना चाहती है, उसके बाद ही वो अपना ऐतिहासिक दायित्व पूरा करेगी। मैं समझता हूं कि आप यदि दिन रात इस कार्य में जुट जाएं, तो 1 मार्च में एक शताब्दी में भी नहीं, मैं वहां जाऊंगा तुम्हारी उस अंधी समिति के सामने, तुम मतिमंदों को मनाने, समझाने। अरे धर्माध्यक्ष, मैं विष खा लूंगा, विष डूब मरूंगा शिप्रा में, पर किसी भी मूल्य पर। आर्य कालिदास, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हाँ हाँ, कर रहा हूं अपमान, और यदि तुम बड़े स्वाभिमान वाले हो तो कभी बाहर मत रखना इस घर में, न किसी राज कर्मचारी के रूप में और ना। देवी, देवी, इस समय मैं अकेला रहना चाहता,
मुझे दूर जाने का दंड क्यों दे रहे हो? मैंने क्या अपराध किया है? प्रियंगू तो यही रहेगी तुम्हारे पास। प्रियंगू बिल्कुल नहीं जानती जीवन में प्रकृति की अनिवार्यता क्या होती है, इसलिए उसके मन में इस बात का बड़ा मोह है कि वो प्रकृति की इस प्रक्रिया को जाने और समझे। मालूम है क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी रचनाओं से तादाद में रखना चाहती है, जैसे ऋतु संघार में सारे ऋतुओं का विवरण, मेघ दूत के सारे अंश और अब कुमार संभव में हिमालय और वसंत आगमन का वर्णन। क्या हुआ, इस काव्य का नाम लेने से झिझक क्यों गई? भय लग रहा था कि कहीं कोई राज कर्मचारी ना सुन ले, अभियोग ना चला दे। प्रणाम स्वीकार करें महाराज। इस समय कैसे? निशा निरीक्षण के लिए निकला था, सोचा कि तुमसे मिलता चल। सुना था प्रियंगू कुछ अस्वस्थ है। नहीं, कोई विशेष बात तो नहीं। महाराज की जय। प्रियंवदा, तुम्हारी देवी शयनागार में है महाराज, तुरंत सूचना देती हूँ। नहीं, यदि विश्राम कर रही हो तो उन्हें जगाने की आवश्यकता नहीं है। जो आज की रात भी व्यर्थ गई या कोई अपराधी रंगे हाथों पकड़ा गया? नहीं, व्यर्थ नहीं गई। आज सैनिकों ने एक अपराधी को पकड़कर मेरे सामने प्रस्तुत किया। वो बड़ी मंझी हुई भाषा बोल रहा था। मैंने पूछा कि चौर कर्म तुम्हारी आजीविका है, लेकिन बातचीत से तो तुम शिक्षित मालूम होते हो। तो कहने लगा, मैं तो ललित कलाओं का रसिक हूँ, काव्य रचना में भी रुचि रखता हूँ। आगे पूछताछ करने पर अपनी सफाई में तुम्हारी काव्य कृतियों का पाठ करने लगा। मुझे लगा कि गुप्त साम्राज्य में अभी कला और साहित्य के लिए बड़ी आशाएं। निसंदेह, और इन आशाओं को अब डाकू और तस्कर ही पूरा करेंगे। कालिदास, तुम्हारी मनस्थिति मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारे साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। बिल्कुल है। न्याय समिति की रचना और उसमें एक से एक बढ़कर सुरुचि संपन्न सदस्यों का रखा जाना, इसी बात का तो प्रमाण है। लगता है इस समय मैं यहाँ व्यर्थ ही आ गया। तुम्हारा मन बहुत विचलित है। तो आपको मुझसे क्या अपेक्षा थी? कि मैं अपना संतुलन बनाए रखूंगा। आज संध्या समय जो कुछ भी मैंने देखा, उस सब के बाद भी जिन्हें ये तक मालूम नहीं कि रस कौन से खेत की मूली, आश्रय किसे कहते हैं, आलंबन क्या होता है,
वे मेरे काव्य पर मनमाने आरोपों की वर्षा करें, बिना किसी अधिकार साहित्य उद्यान में घुसाए और वर्षों के श्रम के बाद फले फूले गुलमों को उन्मत्त सांडों की तरह मसले कुचले रौंदे, वो भी उस सम्राट के सामने जो अपने को साह हृदय कहता है और जिसे सारे कलाकार वैसा ही समझने का भ्रम पाले। फिर मुझसे इस बात की अपेक्षा की जाती है कि मैं अपना संतुलन बनाए रखूं। उस सम्राट की साहित्यता क्या इसी बात से साबित नहीं हो जाती कि एक रचनाकार स्वयं सम्राट के सामने उसकी साहित्यता पर प्रश्न करे, उसे भला बुरा करे, उस पर आक्षेप करे और सम्राट न केवल चुपचाप सुन ले बल्कि मुस्कुराता भी रहे। यदि सम्राट कला अनुरागी ना होता तो ऐसा रचनाकार इस समय कहां और किस दशा में पाया जाता बता सकते हो? लेकिन उसके साथ अन्याय हुआ है ये बात समझ में आती है। बात जब समझ में आती है तो उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया जाता? कालिदास, क्या तुम्हें भी ये बताने की आवश्यकता है कि बहुत सी स्थितियां ऐसी भी आती हैं जब सब कुछ चुपचाप सुनना होता है, देखना होता है, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं होता। रास्ते कालिदास के लिए बंद हो सकते हैं, पर क्या सम्राट पर भी यही बात लागू होती है? हाँ, होती है। यदि वो सत्ता अपने हाथ में बनाए रखना चाहता है तो यदि वो अपने विरुद्ध असंतोष के विषैले बीज नहीं बोना चाहता है तो यदि वो महत्वाकांक्षियों को अवसर नहीं देना चाहता है तो जानते हो इस देश के लोगों को सबसे अधिक चोट कब पहुंचती है? जब उनकी धार्मिक मान्यताओं को आक्षेप लगता है, जब उनकी धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप होता है। लेकिन लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि महादेव के पुजारी के समान मैं भी तो शैव मत पे विश्वास रखता हूं। चलो पल भर के लिए तुम्हारी ये बात मान भी ली जाए तो फिर क्या तुम्हारे ही तर्क के आधार पर तुमसे ये आशा नहीं की जानी चाहिए कि तुम अपनी धार्मिक आस्था के प्रति सच्चे रहोगे और अपने आराध्य को लेकर उद्दाम श्रृंगार की ऐसी रचना नहीं करोगे? लेकिन तभी आराध्य के स्वरूप को भी तो देखिए। महादेव केवल देवाधिदेव ही नहीं, रसाधिराज भी हैं और इस काव्य में उनके दोनों ही रूपों को प्रतिष्ठित किया गया। दूसरे रूप को इसलिए क्योंकि संसार की गहराई और सघनता सबसे अधिक स्त्रीय पुरुष संबंध में मानी गई, इसीलिए तो काव्य श्रृंगार को रसराज कहते हैं। पर फिर भी अगर किसी को इस प्रसंग पर आपत्ति हो तो क्या उसे पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक माना जा सकता है? लोगों की दृष्टि इतनी सूक्ष्म नहीं होती कालिदास, वे ऊपरी आवरण में ही उलझ कर रह जाते हैं। किंतु आपकी दृष्टि तो ऐसी नहीं है। प्रश्न मेरी दृष्टि का कहां है? मैं तो उसी व्याख्या से संतुष्ट हूं कि आठवें सर्ग में एक पति पत्नी की प्रणय लीला का वर्णन है और पति पत्नी के बीच कुछ भी अश्लील नहीं होता। इसमें अश्लीलता उसी को दिखेगी जिसकी दृष्टि अधूरी होगी, अर्थात जो केवल नग्नता देखेगा उसे औचित्य देने वाली पूर्णता नहीं, सार्थकता नहीं। लेकिन मैं धर्म गुरु को कैसे मनाऊं, राज पुरोहित को कैसे समझाऊं, धर्माध्यक्ष को किस प्रकार से संतुष्ट करूं, उज्जैनी के सहस्रों नागरिकों से क्या कहूं? लेकिन क्या यह सरासर लोगों की नासमझी के आगे झुकना नहीं है? हाँ, मानता हूं कि है,
लेकिन ये भी तो देखो कि किस बात पर है। तुम कुमार संभव में से उमा और महादेव के नाम हटा दो और मैं देखता हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है जो आठवें सर्ग पर अश्लीलता की उंगली उठाए। मैं भरे चौराहे पर उसके हाथ कटवा दूंगा, उसकी जीभ निकलवा दूंगा। लेकिन आज जो स्थिति है मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं असहाय हूं। एक रास्ता मुझे सूझा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम आठवां सर्ग प्रारंभ करते ही एक पंक्ति में लिख दो कि उमा और महादेव के यहाँ यथा समय कार्तिकेय का जन्म हुआ और ये सारी विलास क्रीड़ा हटा दो। फिर एक पंक्ति में ये लिख दूं कि कार्तिकेय यथा समय बड़ा हुआ और उसने तारक का वध कर दिया और काव्य समाप्त कर दूं। कालिदास तुम समझते क्यों नहीं हो? कैसे समझूं? सातवां सर्ग नायक और नायिका के ब्याह से समाप्त होता और आठवें सर्ग की पहली पंक्ति में पुत्रों उत्पत्ति हो जाएगी। बीच के 9 महीने 9 दंपत्ति कहां रहे, कैसे रहे, क्या रूप रेखा रही उनके जीवन की, क्या उन्होंने एक दूसरे में खुद को पाया? जो यौवन के आते ही सपने देखे जाने लगते हैं, क्या उन्होंने देने और पाने की उस प्रक्रिया को जिया जो विवाह के बंधन को स्थायी बनाता? कथा के इस मानवीय आधार को हटा दूं, स्वाभाविक विकास की इस धारा को रोक दूं, कथा के इस बहुत महत्वपूर्ण मोड़ को छोड़ दूं, विवाह के एकदम बाद पुत्र उत्पत्ति हो जाएगी तो बीच की इस खाई को पाठक कैसे भरेगा? क्या ये कथा का कलात्मक दोष नहीं होगा? क्या इससे काव्य के समग्र प्रभाव को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या ये मेरे कृतित्व के अनुरूप होगा? क्या कालिदास के नाम के साथ कुमार संभव एक कलंक बनकर नहीं जुड़ जाएगा? कलंक बन कर तो ये वैसे भी जुड़ रहा है कालिदास, तुम किसी बड़े कलंक के स्थान पर इस छोटे कलंक को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? ये कलंक भी छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। रचनात्मक शैथिल्य का कलंक नहीं, अपमानित समझौते का कलंक। और मुझे दुख इस बात का है कि आप स्वयं ऐसा रास्ता मुझे सुझा सकते हैं जिन्होंने कलाकारों को हर तरह की सुविधाएं दी हैं, उनके अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का समर्थन किया। कालिदास, जिस क्षण तुमने राजप्रासाद में पांव रखा था फैसला हो चुका था और उसका परिणाम भी देख लो। आज तुम्हारे पास क्या नहीं है? नाम, यश, संपदा, प्रभुत्व। मत भूलो कि रचनात्मक प्रतिभा अपने आप में ही अधूरी होती है। रचना को प्रकाश में लाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसकी स्वीकृति और मान्यता के लिए कई साधनों की आवश्यकता होती है और उनमें से अनेक आज तुम्हारे विरोधी बन चुके हैं। कान खोल कर सुन लो, धर्म गुरु केवल अश्लीलता की घोषणा से ही संतुष्ट नहीं होंगे। वे चाहते हैं कि तुम्हें कोई दंड भी मिले, अन्यथा वे राज प्रासाद के सामने आमरण अनशन पर उतर आएंगे, प्राण दे देंगे अपने। सोच सकते हो इसके बाद राज्य में कैसा भूचाल आ जाएगा? शायद तुम ये भी नहीं जानते कि बंगेश्वर ने आसपास के राजाओं के साथ मिलकर गुप्त साम्राज्य के विरुद्ध कविद्रोह की घोषणा कर दी। शायद तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारे और प्रियंगु के ब्याह से ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही जातियों में असंतोष है।
और सेना के एक बड़े भाग पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। अब मैं नगर समाज के दूसरे मर्म बिंदु पर चोट हो जाने दूं, महत्वाकांक्षियों को अवसर दे दूं ताकि वो लोगों के असंतोष से लाभ उठा सके। अन्य राज्यों में कला और साहित्य की रचनाएं कुछ विशेष निर्देशों पर ही होती हैं। क्या इतना पर्याप्त नहीं कि गुप्त साम्राज्य में कभी ऐसा नहीं हुआ? लेकिन अगर कोई ये सोचे कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर राज्य की शांति व्यवस्था के लिए बाधा बन सकता है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी और इस भूल का मूल्य उसे चुकाना होगा। अर्थात? अर्थात झुकना तुम्हें ही है, समझौता तुम्हें ही करना है, इसी में तुम्हारा हित है और मेरा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो? कालिदास, व्यर्थ का हठ मत करो। यदि आक्रोश बढ़ता गया तो हो सकता है तुम्हारी सुरक्षा के लिए मुझे तुम्हें उज्जैनी से निष्कासित करना पड़े। तनिक सोचो, राज्य से दूर रहकर तुम क्या कर लोगे, क्या पालोगे? हाँ, माना कि तुम एक से एक उत्कृष्ट रचनाएं करोगे, लेकिन यदि राज्य की सहायता ना मिल पाई तो वे दादुर की टर टर के समान आजीवन कुएं में ही रह जाएंगे। क्या तुम्हारे अंदर का रचनाकार अभिव्यक्ति मात्र से संतुष्ट हो जाता है? क्या वो और कुछ नहीं मांगता? मैं कुमार संभव को अधूरा अधूरा ही छोड़ दूंगा, आगे नहीं लिखूंगा। इस रचना को एक प्रकार से भुला ही दूंगा। ये कभी मेरे घर से बाहर नहीं निकलेगी, किसी गोष्ठी में इसका पाठ नहीं होगा, किसी तक इसकी प्रतिलिपि नहीं पहुंचेगी। इतने से तो लोग संतुष्ट हो जाएंगे, फिर तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अधूरा छोड़ दोगे? तुमने इस पर इतना श्रम किया है। कई बार श्रम व्यर्थ भी तो हो जाता। समझ लूंगा कि कुमार का जन्म संभव नहीं हुआ, गर्भ में ही उसकी हत्या कर दी गई। तारक जीवित है तो रहे, मुझे क्या? हो सकता है आज के बाद तुम्हारे मेरे संबंध वैसे ना रहे जैसे आज तक थे। लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि तुम सहानुभूति से सोचोगे तो मेरी स्थिति को समझ लोगे, मेरी विवशताओं को, परिस्थिति के दबाव को। तुम्हें ही करना है।
समझौता तुम्हें ही करना है, ना तुम्हें ही है। Muroli Yadav as Kirti Bhatt, Millie Singh as Priyam Vada and our assistant director. Pranjal Tripathi as Dhammadiksh and Chandragupt. Anshika Chaube as Priyangi. Vikas Singh as Kalidas. Our research team, Shiza Parvez, Akansha Jha. Our backstage crew, Sardak Yadav and Ajit Yadav. Man behind the lights and our stage manager, Mohit Singh. And music by Ashwati Prakash.